हेलो दोस्तों, आदर्श एनसी कैट कैंप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, ये मैं सापट बना रहा हूँ। इस सापट में टेपर आ रहा है, देखो इसे मैं चक्के में पकड़ रखा हूँ। तो जितने भी स्टेप हैं, देखो इसमें हमारा चार स्टेप हैं, चारों स्टेप में टेपर आ रहे हैं। टेपर क्या रहा है, आगे का साइज है 40 mm, तो पीछे 40.15 आ रहा है, 1.5 का टेपर आ रहा है। तो ये टेपर क्यों आते हैं, जो टेल स्टॉक में या हमारा रिवॉल्विंग सेंटर लगा हुआ है, अगर मैं इसको लगाऊं, इसमें प्रेस करूं, तो जब मैं इसको प्रेस करता हूं, इसमें सेंटर लगाता हूं, तो प्रॉपर ये सेंटर में नहीं बैठ रहा है। देखो मैं इसे लगा रहा हूं, तो ये प्रॉपर सेंटर में नहीं बैठ रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रॉपर सेंटर में नहीं बैठ रहा है, ये सेंटर से थोड़ा सा माइनस में है। तो ये जब प्रॉपर सेंटर में नहीं बैठेगा, तो हमारा इसमें टेपर आएगा, सारे स्टेप पर टेपर आएंगे। तो हमें टेल स्टॉक को क्या करना होगा, सेट करना होगा। जो टेल स्टॉक हमारा है, इसका जो रिवॉल्विंग सेंटर है, इसे हमें सेट करना होगा। तो सेट इसे हम कैसे करेंगे, अभी आपको मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो टेपर आने का जो कारण है, अगर मान लो आपने पीस को चक्के में पकड़ रखा है और सेंटर आपने लगाया, तो टेपर आ रहा है, तो फिर आपको सेंटर से इसे सही करना पड़ता है। अगर रिवॉल्विंग सेंटर से आपका टेपर आ रहा है लगाने पर, तो सेंटर को हमें बीच में लाना होगा, मतलब सेंटर में लाना होगा। जो टेल स्टॉक है, इसे हमें सेंटर में लाना होगा। देखो यहाँ पर भी टेपर आ रहा है, और यहाँ पर भी टेपर आ रहा है, यहाँ पर भी टेपर आ रहा है, और यहाँ पर भी टेपर आ रहा है। तो हमारा चार स्टेप है, चारों स्टेप पे टेपर आ रहा है, तो इसे हम सही करेंगे। जो टेल स्टॉक है हमारा, टेल स्टॉक में रिवॉल्विंग सेंटर लगा हुआ है, तो इसे हम सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, टेल स्टॉक के नीचे में चार बोल्ट होते हैं। अगर आपने सीएनसी मशीन में देखा होगा, तो जो टेल स्टॉक का हेड होता है, उसके नीचे चार बोल्ट होते हैं। अभी देखो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आप डायल को देखो, तो ये 5 पॉइंट भाग रहा है, 0.5 है हमारा, ये भाग रहा है। देखो मैं जिसको प्रेस करता हूँ, तो 0.5 ही हमारा प्लस में जा रहा है, तो माइनस में जा रहा है, सॉरी 0.5 ही हमारा माइनस में जा रहा है। तो इसको हम सही कैसे करते हैं, इसको हम सही करेंगे टेल स्टॉक से। जब भी कोई ये प्रॉब्लम आपके पीस में आती है, तो इसे हम टेल स्टॉक से सही करते हैं। देखो ये 5 पॉइंट माइनस में जा रहा है। देखो जब भी मैं इसे प्रेस करता हूँ, तो 5 पॉइंट ये माइनस में जा रहा है, मतलब अपनी तरफ ये खींच रहा है, प्रॉपर सेंटर में नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, ये सापट को अपनी तरफ में खींच रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे टेपर आता है। तो इसे हम सही करते हैं टेल स्टॉक से। ये देखो 5 पॉइंट माइनस में आ रहा है, देखो मैं सेंटर लगा रहा हूँ, 5 पॉइंट माइनस में आ रहा है। अगर सेट रहे भरपूर, तो माइनस में नहीं जाएगा। ये देखो ये हमारा टेल स्टॉक के नीचे में बोल्ट लगे होते हैं, देखो एक बोल्ट ये हो गया और दूसरा बोल्ट ये हो गया। तो इसके पीछे साइड में भी होते हैं, मैं यहाँ कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो, तो दो बोल्ट इधर होते हैं और दो बोल्ट इधर होते हैं, ये एलन बोल्ट होते हैं। और देखो ये, इससे हम टेपर सेट करते हैं, जो मैं दो दिखा रहा हूँ, इससे हम टेपर सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम खोलेंगे, जो नीचे वाला बोल्ट है हमारा है, तो इसको हम खोलेंगे। अगर मैं इसे खोलूँगा नहीं, तो ये हमारा जो हम मूव करूँगा इसको, मैं जो टेपर सेट करूँगा, तो आगे पीछे हमारा नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा। तो दोस्तों इसको सेट कैसे करते हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम रिवॉल्विंग सेंटर का जो है, जो सेंटर हेड होता है, उसका टेपर सेट कैसे करते हैं। ये देखो इसे हम खोल रहे हैं। ये विकास भाई हैं, हमारे साथ में काम करते हैं, ये इनको भी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी हो गई है। ये देखो इसको खोल रहे हैं, ये इस बोल्ट को खोलेंगे और इसके पीछे भी बोल्ट को खोलेंगे। तो दोस्तों आप भी इन चीज़ों का, अगर आपके पार्ट में टेपर आ रहा है, तो आप इसे ऐसे सही करोगे, क्योंकि हमने पीस को क्या किया है, हमने पीस को चक्के में पकड़ रखा है, वहाँ पे हमारा माउंट है, और फिर हमने क्या किया है, चक्के में पकड़ने के बाद में फिर मैं इसमें सेंटर लगाया हूँ, इसमें फिर मैं सेंटर लगाया हूँ। सेंटर में पहले से लगा रखा था, जो सेंटर ड्रिल होता है, सेंटर ड्रिल से हमने क्या किया था, पहले इसको हल्का सा टर्निंग किया था ऊपर में, और उसके बाद से सेंटर हमने लगा लिया था। फिर हमने क्या किया, उसी टर्निंग पीस को अंदर में पकड़ लिया हूँ, उसी टर्निंग पीस को अंदर में पकड़ लिया हूँ। अब फिर दोबारा से मैं उसको पलटी करके, जब मैं फाइनल ये पीस बना रहा हूँ मैं, देखो तो मैं सेंटर ये आगे कर लिया हूँ। तो देखो ये, अब आप देखो यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा है कि सेंटर में नहीं है, ये माइनस में है, देखो माइनस में है,
जो 0.5 दिखा रहा था हमारा डायल पे, तो वो चीज़ में आप यहाँ देखो प्रॉपर दिख रहा है आपको, ये माइनस है, प्रॉपर सेंटर में नहीं जा रहा है। देखो ये प्रॉपर सेंटर में नहीं जा रहा है, दोबारा देखो एक बार, देखो ये माइनस में है अपनी तरफ है, जिधर हम खड़े हैं इस साइड में है। तो हम क्या करेंगे, टेल स्टॉक को थोड़ा ऊपर करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे देखो, नीचे मैं खुलवा रहा हूँ चारों बोल्ट, चारों बोल्ट मैं यहाँ पे नीचे खुलवा रहा हूँ, इधर का बोल्ट खुल गया है। अब देखो यहाँ से, यहाँ से हम टेपर सेट कर रहे हैं, देखो मैं टाइट कर रहा हूँ, जो इसके बगल का स्क्रू है उसको हमने ढीला किया है और इसे मैं टाइट कर रहा हूँ, तो टाइट कर रहा हूँ तो ये हमारा ऊपर में जाएगा, ऊपर की तरफ में, ऊपर की तरफ में ये हमारा जाएगा। अभी इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, देखो। तो दोस्तों आपको जब भी कोई ये प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, नीचे का बोल्ट खोलना है चारों, और नीचे का बोल्ट चारों खोल करके आपको जो मैं दिखाया हूँ जहाँ से सेट करते हैं टेपर, उसको आप देखो, अभी नहीं सही हुआ, देखो मैं नीचे का बोल्ट खुलवा के इसको मैं ऊपर की तरफ में किया हूँ, जो दो बोल्ट हैं तो एक बोल्ट से होता है, उसको हम टाइट करेंगे तो ऊपर की तरफ में जाएगा, और जो हमारे दाहिने साइड में है उस बोल्ट के जो दाहिने साइड में बोल्ट है उस बोल्ट को अगर मैं टाइट करूँगा तो ये हमारा अपनी तरफ आएगा, माइनस की तरफ में आएगा। तो हमें माइनस की तरफ में नहीं करना है, हमें प्लस की तरफ में करना है, हमें ऊपर की तरफ में करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ये देखो ये विकास जी हैं, ये हमारे ऊपर की तरफ में कर रहे हैं, ये खोल रहे हैं, देखिए ये देखो, ये देखो दो बोल्ट हैं तो एक बोल्ट को मैं टाइट कर रहा हूँ, देखो इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं, और अपनी तरफ लेने के लिए जिधर हम खड़े हैं माइनस में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो राइट साइड में जो बोल्ट है जो हम खोल रहे हैं उस बोल्ट के बगल में जो बोल्ट है उसको हम अपनी तरफ में माइनस में करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखो लगा रहा हूँ सेंटर, तो हमारा जो डायल है, डायल की जो सुई है वो परफेक्ट अपनी जगह पे है, वो हिल नहीं रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये देखो ये हमने सेंटर लगा लिया है, अभी आप यहाँ पे देखो, थोड़ा कैमरा मैं सही करता हूँ, ये देखो अब इसको मैं देखो रिवॉल्विंग सेंटर को हटाऊँगा मैं, देखो हटा रहा हूँ, देखो एकदम 0-0 है, मतलब ये 10 माइक्रोन के अंदर में है। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये 10 माइक्रोन के अंदर है, ये देखो मैं हटा रहा हूँ, ये देखो 10 माइक्रोन के अंदर, मतलब हमारा टेपर सेट हो गया। हमने क्या किया, प्लस की तरफ में ऊपर की तरफ में बोल्ट को टाइट कर दिया, ऊपर करने के लिए हम टाइट करते हैं और अपनी तरफ माइनस करने के लिए जहाँ हमारा बोल्ट है उसके जो राइट साइड में बोल्ट है उसको हम अपनी तरफ में खींचते हैं, राइट साइड में घुमाते हैं तो उससे हमारा अपनी तरफ में आएगा। तो हमें माइनस में करने के लिए क्या करना होता है, जो बोल्ट हम खोल रहे हैं उसको हम ढीला कर लेते हैं, ढीला करके तब तो उसको हम टाइट करेंगे, राइट साइड में घुमाएंगे। ये देखो ये दो बोल्ट हमने खोल दिया था, खोल के और फिर हमने इसको टाइट किया था, ये देखो, ये देखो राइट साइड में जो बड़ा सा वाशर लग रहा है, देखो इसको ये है जहाँ मैं उंगली किया हूँ इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, और ये ढीला है हमारा, बगल में जो वाशर इसमें लगा हुआ है वो हमारा ढीला है, उसको ढीला करके इसको टाइट करूँगा तो ये ऊपर की तरफ में जाएगा। ये देखो अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कि जो आपका सेंटर में नहीं आ रहा था तो ये अब सेंटर में आएगा, जब मैं रिवॉल्विंग सेंटर खोलूँगा तो ये हमारा सेंटर में आएगा। ये देखो ये दो हैं, ये इसको हम क्या करते हैं अपनी तरफ में टाइट करते हैं तो अपनी तरफ माइनस में आएगा, और इस हेड को आगे ले जाने के लिए प्लस में करने के लिए छोटे वाले को हम इसको टाइट करते हैं। तो इस तरह से हम टेल स्टॉक में अगर हमारा टेपर है तो इसको सही करते हैं, तो इसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये चक्के में देखो इस शाफ्ट को मैं पकड़ रखा हूँ, इस चक्के में भी टेपर आता है, बगैर टेल स्टॉक लगाए जब आप टर्निंग करोगे और आपका टेपर आ रहा है तो फिर वो चक्के का टेपर होता है। जब टर्निंग हम करते हैं बगैर टेल स्टॉक लगाए तो वो चक्के में टेपर होता है। तो जब टाइम प्रीमियम में मिलेगा तो मैं चक्के का टेपर सही करना बताऊँगा।